हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ते हैं, खास करके सीए फाउंडेशन के लिए, तो इन दिनों में आप लोग जानते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, उससे पहले नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज वेल एज कंसिडरेशन। तो आप पढ़ते हैं उनमें आखिर किस तरह की चीजों को, किस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, यानी आईसीएआई आपके लिए किस तरह के क्वेश्चंस क्वारी करता है, लेकर के आता है, उन पर आज हम लोग करने वाले हैं अपनी बात। बराबर, तो ध्यान से देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये जैसा मैंने आपको कहा, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसके साथ में ही कंसिडरेशन वाला जो चैप्टर है उनसे ये सारे के सारे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखें क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मिस्टर बलवंत एन ओल्ड मैन बाय अ रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट ग्रांटेड सर्टेन लैंडेड प्रॉपर्टी टू रीमा। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहां थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेटिव एरा भी बनाया है। तो ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं ये हैं बलवंत, बराबर, और ये जो हैं ये हैं इनकी डॉटर यानी कि रीमा। चलिए जी, तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। वहां ये लिखा गया है कि लैंडेड प्रॉपर्टी है और ये ट्रांसफर किए उन्होंने अपनी डॉटर रीमा को, और जो डीड की टर्म्स है उसके हिसाब से इट वाज डिसाइडेड, स्टिपुलेटेड का मतलब डिसाइडेड दैट एन एन्यूटी ऑफ रुपीज 20,000 शुड बी पेड एवरी ईयर टू मिस्टर सावंत। ये सावंत कौन है भाई? Who was the brother of बलवंत, यानी कि बलवंत का भाई है सावंत। ठीक है, तो बहुत क्लियर कट है कि बलवंत ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो एसेट है, रीमा के नाम, अपनी डॉटर के नाम पे ट्रांसफर की है, लेकिन एक कंडीशन लगाई है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, हर साल 20,000 रुपया जो है अपने चाचा जी को, चाचा जान को, अंकल को, जो भी बोले उनको देना पड़ेगा। ये इन्होंने यहां पे सिंपली हमको बोल दिया। ठीक है भाई, सेम डे के ऊपर जो रीमा है उन्होंने भी मिस्टर सावंत को एक प्रॉमिस कर दिया है और उनके फेवर में बकायदा एक एग्रीमेंट बना दिया है। जब अपन इस तरह से बोले कि एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर एन एग्रीमेंट, तो मान के एक रिटर्न एग्रीमेंट वहां पे तैयार हुआ है इफेक्ट टू दिस स्टिपुलेशन का, मतलब उस कंडीशन को इफेक्ट देने के लिए। तो बलवंत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इधर ट्रांसफर की है और साथ में कंडीशन लगाई कि 20,000 आपको सावंत को देना है, और रीमा ने भी सावंत के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है। आगे पढ़ते हैं, रीमा फेल टू पे द डिसाइडेड सम, जैसा होता है। ये भाई साहब तो बलवंत दिख रहे हैं, ये ऊपर निकल गए होंगे, और ऊपर का मतलब थत पे नहीं, सीधा परमानेंटली निकल गए होंगे। फिर रीमा ने ये पैसा अपने अंकल को देने से कर दिया होगा मना, मना कर दिया, तो क्या होगा, केस किया गया, सावंत ने केस किया। तो केस में रीमा क्या कह रही है देखो, शी कंटेंडेड दैट, मतलब उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, सिंस मिस्टर सावंत हैड नॉट फर्निस्ड एनी कंसिडरेशन, कि भाई अगर मैं इनको महीने का 20,000, सॉरी साल का 20,000 पे करूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, जबकि रूल क्या कहता है, कंसिडरेशन का रूल है गिव एंड टेक, कुछ मिलेगा तो कुछ देना है, लेकिन यहां मुझे मिल तो कुछ नहीं रहा, तो मैं 20,000 क्यों पे करूं, ही हैज नो राइट ऑफ एक्शन, सो मेरे चचा सावंत को मेरे अगेंस्ट में केस करने का कोई राइट नहीं है। अब आपसे क्या पूछा गया, एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ रीमा इज वैलिड। आपसे क्या पूछ लिया गया कि बताइए कि रीमा का जो आर्ग्यू है, जो कंटेंशन है, वो वैलिड भी है या वो वैलिड नहीं है, ये चीज आपसे उन्होंने यहां पर पूछ ली है। तो बहुत क्लियर मैटर है, समझे आप इसको। हाँ, जिन लोगों ने कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ लिया है बिल्कुल उनके दिमाग की बत्ती इस वक्त लग गई होगी, एकदम क्लिक हो जाना चाहिए आपको कि हमारा एक फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया वाला, और जहां पे जो मेन पॉइंट है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ डीलिंग कर रहे हो, जिसके साथ जिसको बेनिफिट शेयर कर रहे हो, उसी से आपको कंसिडरेशन मिले, ये कंसिडरेशन आपको उसके अलावा भी कोई दे सकता है। एंसर कहता है, इन इंडिया कंसिडरेशन मे प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी, देखो, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एंसर हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी यहां पे, ये आईसीएआई के प्रिस्क्राइब एंसर से हैं, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि ये एंसर इस तरह से आपको बना करके लिखने हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रोविजन, फिर कंसिडरेशन का डेफिनेशन भी हमने बता दिया कि बहुत क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग,
सच एक्ट इन कंसिडरेशन, बहुत सीधा सा हो गया कि जब भी प्रोमिसी ने या उसके बिहाफ पे किसी ने कुछ किया तो वो कंसिडरेशन है. इन अदर वर्ड, ये लाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किसी और की तरफ से आ सकता है. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पर्सन स्ट्रेंजर नहीं होता है. बहुत कमाल की लाइन है, हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास के अंदर इस लाइन को अंडरलाइन भी करके रखा है, बहुत जबरदस्त वाली लाइन. फिर प्रोविजन समझाने के बाद नेक्स्ट पैरा में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको समझाया गया है. इन द गिवन प्रॉब्लम क्या हुआ, पूरा का पूरा एंसर यहाँ पे समझा दिया गया है, मतलब क्वेश्चन का डिटेल सारा आ गया. मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं. फर्दर द डीड ऑफ गिफ्ट एंड प्रॉमिस मेड बाय रीमा टू मिस्टर सावन टू पे द एन्युटी वर एग्जीक्यूटेड. उसी वक्त में सिमल्टेनियसली उन्होंने बना लिया. एंड देयरफॉर, खास लाइन, दिस शुड बी रिगार्डेड एज वन ट्रांजेक्शन एंड देयर वॉज सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर इट. अब लॉ क्या कहता है समझो, ये जो प्रॉपर्टी बलवंत ने रीमा को ट्रांसफर की और देन उसके बाद रीमा ने वापस सावन के साथ जो एग्रीमेंट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक ही ट्रांजेक्शन है. और ये जो देख रहे हैं आप रीमा, इनको सावंत की तरफ से कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुका है उसी ट्रांजेक्शन में. लेकिन किसने दिया, वो बलवंत ने पे कर दिया. बलवंत ने वो पैसा सावंत को देने के लिए पहले ही रीमा को हैंड ओवर कर दिया है. तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन है जिसमें ऑलरेडी सावन की तरफ से बलवंत जो है वो कंसिडरेशन पे कर चुका है. इसी कंसेप्ट में हमारा ये केस भी था. दस अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते तो आप बीच में नहीं आ सकते थे. आप जानते हो थर्ड पार्टी बीच में नहीं आती है, सम एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज नहीं आती है. लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अगर है कि आपके बिहाफ पे किसी और ने कंसिडरेशन पे किया, तो बिल्कुल आपको सूट फाइल करने का राइट है. तो यहां रीमा का जो कंटेंशन है वो वैलिड होने वाला बिल्कुल भी नहीं है. ये आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए. बराबर, बहुत सिंपल हो गया, कोई टेंशन नहीं. तो ये आपका एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि किस तरह का क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कंसिडरेशन पे. चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक अप द लगेज ऑफ आर. एक कुली है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कुली भाई साहब है और ये भाई साहब है आर. आप देख सकते हो बेचारे ढूंढ रहे हैं, स्टेशन के ऊपर खड़े हैं कि कोई कुली मिल जाए. इनको कुली मिला, दिखा कुली है, यूनिफॉर्म में है, लगेज पिक करता है इनका, टू बी कैरिड आउट द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय आर. और आर उसको ऐसा करने भी देता है, समझ रहे हैं भाई. आप ट्रेन से लटके खड़े हैं, स्टेशन आ गया है, सामान रखा हुआ है, आप ढूंढ रहे हैं, एक बंदा वहां पे आता है कुली का यूनिफॉर्म में, हमने सेम एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, वहां से सामान उठा करके ले जाता है, वो जाता है, आप भी जाते हैं, उसको ले जाने देते हैं. तो बट ओबियस एग्जामिन वेदर द कुली इज एंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम आर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आपसे क्या पूछा गया, बताइए क्या कुली ये पैसा रिकवर कर सकता है क्या. चेक करिए, बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, इस चीज को चेक करें. Implied contract come into existence by implications. It is a matter of implied contract. जानते हो ना आप लोग, मोस्ट ऑफन द implication is by law or by action. जो कई बार लॉ से भी होता है, जिसको आप लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हो, और बाकी इंप्लाइड में एक्शन तो है ही है. सेक्शन 9 क्या कहता है, सच इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words. अब जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह की लैंग्वेज को यूज करो. हमेशा ध्यान रखिए, जहां डेफिनेशन दे रहे हो वहां लॉ की लैंग्वेज बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप अपना लैंग्वेज में आंसर ड्रॉ कर सकते हो, बट मीनिंग वही निकलना चाहिए जो लॉ की लैंग्वेज का है. तो हम हमारे यहां पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू तो बनते ही हैं, प्लस कंडक्ट के थ्रू भी बनते हैं, अदरवाइज इन वर्ड्स. द प्रॉमिस इज सेट टू बी इम्प्लाइड. तो इम्प्लाइड का मीनिंग आपको यहां पे दे देना है कि क्या होता है. और प्रेजेंट केस के अंदर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके एक्ट के थ्रू. सामने वाला कुली यूनिफॉर्म में है, आपने उसको रोकने का कोशिश नहीं किया, आपने जाने दिया, इट मीन्स आपका कंडक्ट ये शो करता है कि यू वॉन्ट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, कि आप चाहते थे, आप चाहते हो कि उसके साथ डीलिंग करना है और आपने किया. सो आर को क्या करना पड़ेगा, सर्विस का पैसा कुली को देना ही देना पड़ेगा. इट इज अ मैटर ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अपने को ध्यान में रखना चाहिए. बराबर, कोई टेंशन नहीं. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए सेंड एन ऑफर टू सेल इज सेकेंड हैंड कार रूपीज 1,40,000 विद अ कंडीशन दैट. ए ने ऑफर किया बी को अपनी सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए 1,40,000 में. कंडीशन क्या लगाई, इफ बी डज नॉट रिप्लाई विद इन अ वीक. बी, अगर तुमने एक वीक में मुझे जवाब नहीं दिया तो ए मान लेगा, शेल ट्रीट द ऑफर इज एक्सेप्टेड. तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा ऑफर है वो वैलिड, मतलब तुमने मेरा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है. इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज
इन हिज प्रपोजिशन, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया सॉरी इज ए करेक्ट इन हिज प्रपोजिशन, जो आपने ऑफर बना करके दिया है, जो उसका लैंग्वेज यूज किया है आपने, क्या ये ऑफर वैलिड है क्या, सोच के बताओ. वॉट शेल बी द पोजिशन इफ बी कम्युनिकेट इज एक्सेप्टेड आफ्टर वन वीक. चलिए जी, तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए. पहला कंसेप्ट तो, पहला सिस्टम तो क्या पूछा गया, क्या ऐसा ऑफर किया जा सकता है क्या, क्या ऑफर के अंदर हम ऐसी टर्म लगा सकते हैं क्या कि इतने टाइम में जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी हाँ है. बोलो क्या कहते हो. बराबर, क्लास के अंदर हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है ना, मूवी का सीन हमने बात की थी कि किसी ने आपको ऑफर कर दिया है, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं तुम्हारी हाँ मान लूंगा ना, शादी का प्रपोजल दिया है. देखते हो ना मूवीज के अंदर हीरो हीरोइन को ऐसा ऑफर देता रहता है, अगर तुम्हारी हाँ नहीं आई कल सुबह तक तो मैं हाँ मान लूंगा, और वाकई में सुबह तक हाँ नहीं आई, किसी वजह से नहीं आ पाई. बराबर, तो क्या हाँ मान लिया जाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां देखें, ये देखिए, ये दो लोग हैं भाई, ये भाई साहब है जिन्होंने इनको ऑफर किया, एक फेमस कार्टून कैरेक्टर आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये इनको ऑफर किया गया है. और क्वेश्चन क्या था आप जानते ही हो, मैं आंसर पढ़ता हूं. एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड मियरली फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑफर. हमने पढ़ा ये चीज, तो साइलेंस को, ऑफर आप सामने वाले को करो और सामने वाला साइलेंट रह जाए, इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है. ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते, इवन इफ इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द ऑफर इटसेल्फ. भले ही आपने ऑफर में लिख भी दिया हो कि तुम अगर साइलेंट रह गए तो मैं हां मान लूंगा, फिर भी ये कंडीशन लगाना ही वैलिड नहीं है. Unless the offeree has by his previous conduct indicated that his silence amount to be acceptance. आप पढ़ चुके हो ये. हाँ, previous transaction कुछ वो magazine वाला जो अपना class के अंदर हमने example पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही है. आपका previous conduct अगर ये कहता हो कि मेरी silence को acceptance मान लो तो बात अलग है, otherwise कभी भी नहीं होगा. Cannot be taken as valid acceptance. आप उसको कभी भी valid acceptance मानने वाले नहीं हो. क्लियर बात. सो इन द गिवन प्रॉब्लम अगर बी साइलेंट रहता है, इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानना है. क्लियर बोल दिया. नाउ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब. अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, बाय चांस भले उसने लिखा हो लेकिन हमारा एक्सेप्टेंस देने का मन है. बराबर, हो सकता है ना सामने वाले ने कंडीशन लगाई, ओके, लेकिन हम वाकई में उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, और अगर एक वीक के बाद अगर दें तो आप लोग जानते हो वन वीक के टाइम के बाद सामने वाला चॉइस के ऊपर आ जाएगा. द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर आफ्टर द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द ऑफरर हैज लैप्स्ड. अब वो लाइन भूल जाते हैं साइलेंस वाली. तो नॉर्मली ऑफर दिया और वन वीक का टाइम एक्सेप्ट करने के लिए, सामने वाले ने एक वीक के बाद एक्सेप्टेंस दिया तो क्या होगा. प्रैक्टिकली ऑफर तो लैप्स हो चुका है. अब प्योरली डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर कि वो आपकी एक्सेप्टेंस को माने या नहीं माने. तो ऑफर तो लैप्स हो गया, विल नॉट अवेल टू टर्न द ऑफर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने पढ़ा हुआ ये कि बेसिकली एक टाइम दे और उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस आती है तो बेसिकली ऑफर तो लैप्स हो चुका है. अब प्योरली डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है कि वो क्या चाहता है, डीलिंग करना चाहता है नहीं चाहता है, ये आप लोगों को इधर ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारा हो गया. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, नवंबर 18 की अटेम्प्ट में एग्जाम में आ चुका है, और कंसिडरेशन वाले चैप्टर से प्लस आपके फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन दिखता है अपने को. देखें आप लोग, एक पिक मैंने वहां पे दी है और क्यों है ये पिक पता लग जाएगा आपको. मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ लाली. तो ये भाई साहब जो है ये तो हो गए हैं रमेश, और ये है इनकी धर्म वाली पत्नी यानी कि लाली. मैं मिसेज लाली लिख देता हूं, मिसेज लाली, ठीक है. तो रमेश है, उन्होंने 50,000 रुपया अपनी वाइफ लाली को देने का प्रॉमिस किया है, और सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑफ हर 30th बर्थडे. 30 साल की है, पहली बार एज पता लग रही है, कहते महिलाओं से एज नहीं पूछी जाती, लेकिन चलिए 30th बर्थडे के ऊपर 50,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है ताकि वो अपने हिसाब से खर्च कर सके. अब लाली ने इंसिस्ट किया है अपने हस्बैंड को, ये वर्ड देखना थोड़ा सा, इंसिस्ट किया अपने हस्बैंड को कि क्यों ना आप इसका रिटर्न एग्रीमेंट बना लो. इफ यू रियली लव्ड हर, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इस डीड पर साइन कर दो कि तुम मुझे 50,000 दोगे. हस्बैंड कह रहा है क्या मेरी जुबान पे भरोसा नहीं है. लाली कह रही है नहीं है, अगर सच्चा प्यार करते हो तो लिखो. बेचारा क्या करे हस्बैंड यहां पे, ठीक है ना. तो देखिए रमेश ने ये रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया, एंड एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, और उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया. अब जिन्होंने कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ा उनका दिमाग चलेगा. सर हमने पढ़ा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन नंबर पहला. सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई नियर रिलेशन होना चाहिए, तो सर है, हस्बैंड वाइफ है, बिल्कुल है सर. फिर उसमें यह भी था कि रिटर्न होना चाहिए
फिर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, साइन होने चाहिए, सर सब चीजें हैं। तीसरे नंबर पे था नेचुरल लव होना चाहिए, तीन चीजें वहां दी हुई थी। तो सर लव है ना सर, अब देखो ये जो साइन देख रहे हो ना, ये लव का साइन। तो सर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं सर, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर, ये तो बिल्कुल नेचुरल लव अफेक्शन है और नियर रिलेशन भी है, रिटर्न साइन और रजिस्टर्ड भी हो गया है, तो सर हमने एक्सेप्शन में पढ़ा, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बढ़ते हैं आगे, लॉ क्या कहता है, मिस्टर रमेश फेल टू पे द डिसाइडेड अमाउंट, मिस्टर रमेश 50,000 रुपया नहीं दे पाया, तो लाली वॉन्ट्स टू फाइल ए सूट अगेंस्ट रमेश एंड रिकवर द प्रॉमिस अमाउंट, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में सूट फाइल करके पैसा रिकवर करना चाहती है। एडवाइस करिए मिसेज लाली को, क्या वो सक्सीड करेंगी, क्या वो सफल होंगी, ये पूछा गया आपसे नवंबर 18 में हमारे फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या करें सर, तो आंसर तो सर बिल्कुल रिकवर कर सकती है सर, जब आप इसका आंसर पढ़ेंगे जो आईसी ने दिया तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए आंसर पढ़ते हैं, लॉ कहता है देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। फर्स्ट चैप्टर आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल या डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसके ऊपर एक केस भी पढ़ा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस बालफोर वाला, है ना, बालफोर वर्सेज बालफोर, मिसेस बालफोर वर्सेज मिस्टर बालफोर वाला। इन द गिवन सिचुएशन रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 इज फाइव सो दैट ही कैन स्पेंड द सेम ऑन बर्थडे, हाउएवर सब्सिक्वेंटली रमेश फेल टू फुलफिल द प्रॉमिस फॉर विच लाली वॉन्ट्स टू फाइल ए सूट अगेंस्ट। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, यहां से पढ़ता हूं, वाइफ विल नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट एज इट वॉज अ सोशल। अब यहां मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये लोग जनरली सोशल डोमेस्टिक में फर्क नहीं करते हैं, एक ही मानते हैं, तो चलिए दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये आंसर आईसीए ने दिया, आप देते ही सर भूकंप आ गया, सर ऐसा कैसे हो गया सर, आपने तो पढ़ाया था सर ये नेचुरल और अफेक्शन भी, अरे पढ़ाया था भाई पढ़ाया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो चेक करो, है ना। लॉ में कभी फीलिंग्स के अंदर मत बहो, हमेशा टू द पॉइंट देखें क्या लिखा है। मुझे यहां रिटर्न साइन रजिस्टर नजर आ रहा है, नियर रिलेशन भी नजर आ रहा है, लेकिन नेचुरल लव नहीं है, ये जो मैंने साइन बनाया था नेचुरल लव का, ये यहां से गायब है, कहां है, लैक ऑफ नेचुरल लव। सर है ना सर, प्रॉमिस करते वक्त उसका नेचुरल लव ही था ना, प्रॉमिस करते वक्त तो नेचुरल लव था, मान लिया, लेकिन ये जो रिटर्न साइन के अंदर लिखा है इंसिस्टेड, इंसिस्ट वर्ड का मतलब फोर्स करना, आगे वाली लाइन पढ़ो, इफ ही रियली लव्ड हर, तो इसका मतलब वो जो साइन किया उसने प्रॉमिस करने के बाद में, वो साइन अपने मन से नहीं किया है, दिल से नहीं किया है, जबरदस्ती। सर कैसे पता लगेगा सर, क्या पता मन से ही किया हो, जबरदस्ती से नहीं किया। आप देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पर जाओगे आप, है ना, मैंने कहा था ऐसे फीलिंग्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो जब हस्बैंड ने प्रॉमिस किया और वाइफ ने इंसिस्ट किया है कि अगर मुझे चाहते हो मुझसे प्यार करते हो तो साइन करके दो, तो लॉ ये मानता है कि ये नेचुरल लव की वजह से नहीं है, थ्री कंडीशंस मस्ट थी, नियर रिलेशन है, रिटर्न साइन एंड रजिस्टर्ड भी है, लेकिन इंसिस्ट वर्ड की वजह से यहां पे नेचुरल लव नहीं है। और जहां नेचुरल लव नहीं हो वहां पे आप जानते हो मैटर सीधा उस पॉइंट से निकल करके नॉर्मल डोमेस्टिक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इट इज अ मैटर ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट और उसमें लाली सक्सीड नहीं करेंगे, इनको केस करने का राइट नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, बहुत क्लियर कट मैटर है। तो बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। सर ये इंसिस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ होता यहाँ पे तो फिर कहानी चेंज होती ना, आप प्रोविजन जानते ही हो ना, अगर नहीं होता ये वर्ड तो नेचुरल लव भी होता, रिटर्न साइन एंड रजिस्टर्ड भी होता और नियर रिलेशन भी होते, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे उनको लेने का राइट होता, एकदम सेक्शन ही हमारा चेंज हो जाता। ये आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिक आप लोग वहां पे देख रहे हैं, एक लड़की खड़ी है और ड्रेस है और एक प्राइस टैग है साथ में, तो कुछ कुछ आपको ध्यान में आ गया होगा। अगेन नवंबर 18 का ही क्वेश्चन ही आया है, शॉपकीपर डिस्प्ले अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम एंड अ प्राइस टैग ऑफ ₹2,000 वॉज अटैच टू द ड्रेस। डिस्प्ले पे एक ड्रेस रखी गई है, 2,000 का प्राइस टैग लगाया है, लवली लुक टू द टैग, ये जो लवली है इनका नाम ही क्या रखा है अपन ने, लवली। इन्होंने टैग को देखा, रश टू द कैश काउंटर, ड्रेस को लेकर के कैश काउंटर पे गई, देन शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिसीव द पेमेंट एंड पैक द ड्रेस। सर ये लो पैसा, 2,000 रुपए करो, ड्रेस को पैक करो। शॉपकीपर ने देने से मना कर दिया, इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस स्टेड इन द प्राइस टैग अटैच टू लवली, अटैच टू द ड्रेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि
उस प्राइस पर शॉपकीपर ने देने से मना कर दिया, सॉरी मैडम देंगे तो सही लेकिन प्राइस ये नहीं है, प्राइस इसकी ज्यादा है, ऐसा कुछ बोला होगा, कम बोलते तो टेंशन ही नहीं होती। अब लवली को आपका एडवाइस चाहिए सर, आपकी सलाह उनको चाहिए, किस बारे में चाहिए, क्या वो शॉपकीपर के ऊपर सूट फाइल कर सकती हैं क्या? देखने में तो लगता है कर सकती हैं, लेकिन याद करो इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर, याद आया आपको कि जो भी शोरूम में शॉप में प्राइस टैग्स हमारे होते हैं वो सिर्फ इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर है, आप उन पर शॉपकीपर को बाउंड नहीं कर सकते सेल करने के लिए, उनकी चॉइस के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। द ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इंटेंशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत क्लियर कट बोल दिया। वेयर एज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ द ऑफर, वो तो सिर्फ एक ऑफर का सर्कुलेशन है, और अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रीसीड अ डेफिनेट ऑफर, सॉर इतनी लैंग्वेज हमसे नहीं लिखी जाएगी, तो आप इजी लैंग्वेज लिखो ना, कौन मना कर रहा है। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, और इन्विटेशन टू ऑफर किस चीज के लिए होता है, टू रिसीव द ऑफर, टू अट्रैक्ट द ऑफर, है ना। वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोज सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, भाई उनकी तरफ से वो ऑफर क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उनकी तरफ से एक इनविटेशन है कि भाई ये प्राइस है, अब आप आकर के इस प्राइस के ऊपर हमारे साथ नेगोशिएट करिए कि भाई इस पर आप दोगे क्या, इसका मतलब ऑफर नहीं होता है। बट इनवाइट ओनली द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, आप अदर पार्टी को सिर्फ इन्वाइट करते हैं कि भाई ये ड्रेस है, इस पर ये प्राइस रहेगा, इस पर आकर के आप हमको ऑफर करिए कि ड्रेस दे दीजिए, देना नहीं देना हमारी चॉइस के ऊपर रहेगा। दिस इज बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, एंड द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल विद अ प्राइस इन इट सेल्फ सर्विस शॉप मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, बहुत क्लियर हो गया। इट इज नो सेंस एन ऑफर फॉर सेल, बहुत क्लियर बोल दिया गया, ये सेल नहीं होगी। द एक्सेप्टेंस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, की भाई जिस पर आपने एक्सेप्टेंस दे करके, भाई इसके दिमाग में, लवली के दिमाग में क्या रहा होगा कि प्राइस टैग ऑफर है, मैंने जाकर के बोला कि मुझे बेच दो, वो एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। लॉ कहता है नहीं, आपका जो प्राइस टैग पे ड्रेस है वो इन्विटेशन है, आप ड्रेस लेके काउंटर पे गए वो ऑफर है, और उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना सामने वाले की चॉइस पर है, आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते। तो लवली बाय सेलेक्टिंग द ड्रेस एंड अप्रोचिंग द शॉपकीपर सिंपली ऑफर है, क्लियर हो गया। और द ड्रेस सेलेक्टेड बाय हर, वो सिर्फ आपकी तरफ से ऑफर है, अब शॉपकीपर की मर्जी पे है, अगर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है उस प्राइस के ऊपर, तो बायर कैन नॉट कंपेल, का मतलब फोर्स करना उसको कि आप इस पर सेल करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन वहां पे नहीं हुआ, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर मैटर, चलिए जी हम लोग पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन के अंदर, सिक्स नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा। देखें आपके थ्री चैप्टर्स के क्वेश्चन हम लोग ने इधर कवर किए हैं, माधुरी नहीं है, वो इतने टाइम से लवली लाली ये सब आए थे, तो इधर भी माधुरी हो गया। मधुर इज अ हार्ट पेशेंट, दिल का मरीज है। He goes to a heart institute and deposit rupees 3 lakh, 3 lakh रुपया इन्होंने डिपॉजिट किया at fixed charges for the operation. एक fixed charges है operation का, heart का operation pic देख सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए इन्होंने 3 lakh रुपया जमा किया। Before operation, the concerned doctor inform him that he will operate upon him correctly. कि मैं आपको ढंग से operate करूंगा, बढ़िया वाला करूंगा, अगर आप प्रॉमिस करो कि मुझे आप 1 lakh रुपया ज्यादा दोगे। समझ रहे हो आप, 3 lakh रुपया हार्ट ऑपरेशन का फिक्स था, अच्छा ऑपरेशन करवाने के लिए 1 lakh और मांग रहा है मधुर बेचारा, पे उस वक्त एग्री हो गया। अब जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है उससे भैया जो मांगोगे देगा कि ले ले भाई तू ऑपरेट कर, प्रॉमिस ले ले मुझसे, उसने भी प्रॉमिस कर दिया, ऑपरेशन बढ़िया हो गया। सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद में मधुर रिफ्यूज टू पे हिज एक्स्ट्रा अमाउंट, मधुर ने वो पैसा देने से मना कर दिया। नाउ डॉक्टर कहता है कि इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है मधुर ने, क्या डॉक्टर सक्सीड करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। याद करिए हमारी रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा है, इफ प्रोमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू समथिंग देर इज नो रिक्वायरमेंट टू गिव हिम फर्दर कंसिडरेशन। ध्यान में आया, इफ एनी पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग, पहले से आप बाउंड हो, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू गिव हिम फर्दर कंसिडरेशन। और हम लोगों ने सलमान वाला एक एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि जो चीज करने के लिए ऑलरेडी आप बाउंड हो चुके हो, है ना। और बढ़िया सी लाइन थी, डॉक्टर विल नॉट सक्सीड बिकॉज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। भाई 3 lakh रुपीज के अंदर आप ऑलरेडी बाउंड हो चुके हो कि आपको सक्सेसफुल तरीके से, ढंग से, सक्सेसफुल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सही होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन फुल एफर्ट्स करके ढंग से जो ऑपरेशन, जो आपने लिखा
बट करेक्टली करोगे, 1 लाख रुपया दोगे तो 3 लाख में आप वैसे भी करेक्टली ऑपरेट करने के लिए बाउंड हो चुके हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, 1 लाख रुपया और लेने की कोशिश करते हो, तो ये 1 लाख रुपीज आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो प्रोविजन लिखना है, क्वेश्चन का डिटेल लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है, वो आप सब जानते हो। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए, जो कि फर्स्ट पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के केस बेस्ड क्वेश्चंस का सीए फाउंडेशन वालों के लिए। बराबर, तो इन सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा, ढंग से देखिएगा, कोशिश करिएगा रिटर्न में प्रैक्टिस करने की। जल्दी वापस मिलेंगे आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ में। बस तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पढ़िए। थैंक्स अ लॉट।